विधानसभा सत्र में आप सब लोगों को याद होगा कि एक सदन में नहीं, दोनों सदन में, परिषद में और सभा में, दोनों जगह प्रस्ताव एक आया था जिसको हम लोगों ने पारित किया था सर्वदलीय सहमत होकर के, वो था जातीय जनगणना को लेकर। पिछले मॉनसून सत्र में भी हमने जो है जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया और हमने प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री जी चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आते हैं, और हम लोग मिलकर के भी आए, बात भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा कि बिहार की बात नहीं है, ये देश हित के मामले में है और पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं, लिखित तौर पे जो है मना कर दिए कि जातीय जनगणना नहीं होगी। अगर आप लोग याद करें तो पिछले सत्र में हमारे दो प्रस्ताव थे, एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने, अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, उसके बाद रिजल्ट क्योंकि 3-4 तारीख को आना था तो 5-6 को हम लोग सर्वदलीय बैठक इसमें बुला करके इस पर चर्चा करें, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया गया। और हमारी ये मांग है और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, अब तो भारत सरकार मना कर रही है जातीय जनगणना कराने से, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे, तो ये जातीय जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जातीय जनगणना कराएगी, और ये पूरी तरीके से बिहार के हित में होगा। जो योजनाएं बनेंगी, कहाँ किसको ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा पैसा, उसी हिसाब से बजट का स्वरूप होगा, क्योंकि अब तक जो है अंधा होकर के कहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है। इसमें आसानी होगी, सहूलियत होगा जब आपके पास एक डेटा होगा। इस आयुष के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।